मध्य प्रदेश की राजनीति में दो भाई हमेशा चर्चा में रहते हैं, एक है दिग्विजय सिंह तो दूसरे उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह। और इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह, जो ट्वीट के जरिए अपनी ही पार्टी और अपने ही नेताओं पर सवाल उठाते नजर आते हैं। पार्टी लक्ष्मण के तीरों से हमेशा असहज महसूस करती है, तो बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिल जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जितने विवादित और वायरल बयान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के माने जाते हैं, उतने ही तीखे तेवर उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के भी नजर आते हैं। लक्ष्मण सिंह इन दिनों अपनी ही पार्टी और नेताओं पर हमलावर होकर लक्ष्मण रेखा लांग रहे हैं। सबसे पहले 13 फरवरी की ये एक्स पोस्ट देखिए, जिसमें वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को टिकट की मांग के बजाय मार्गदर्शन देने की बात कह रहे हैं। 8 मई की पोस्ट में उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान पर निशाना साधा और जूता मारने की बात तक कह दी। इसके बाद जब 4 जून को नतीजे आए तो मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें हार चुकी कांग्रेस को लक्ष्मण सिंह ने राजनीति का ककहरा पढ़ा दिया। लक्ष्मण सिंह का सबसे तीखा वार 8 जून को सामने आया, जब उन्होंने सीधे प्रदेश अध्यक्ष के बहाने केंद्रीय नेतृत्व को ही निशाने पर ले लिया। तो बीते दिनों लक्ष्मण सिंह ने सरकार गिराने की सोचने के बजाय आगामी चुनाव पर फोकस करने की नसीहत दे डाली। अब समय हमारे पास 5 वर्ष का है, इस समय में हमको संगठन में एक सोच को बदलना पड़ेगा। बूथ लेवल से लेके और प्रदेश लेवल तक आपको समितियां बनाना पड़ेगी, समितियां बनाइए। विधानसभा लोकसभा भी आप देखिए, ये समितियों के माध्यम से चलता है और पार्टियां भी समितियों से चलती हैं, सबकी राय से चलती हैं, कोई चुने हुए लोगों की राय से नहीं चलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चाचौड़ा से विधायक रहे लक्ष्मण सिंह लंबे समय से पार्टी की रीति नीति, निर्णय और संगठन के ढांचे को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, जिसके चलते कई बार पार्टी बैकफुट पर रही। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उन्हें पिता तुल्य मानते हुए उनके बयान पर मुस्कुरा देते हैं और कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं। नहीं, लक्ष्मण सिंह जी ने ये कहा, एक पिता अपने पुत्र को कहता है, एक बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि पैरों पर खड़े हो जा, तो उनकी बात सही है, पैरों पर खड़े होना बस इस महीने के अंत से पहले देख लो। कांग्रेस भले ही उनके बयानों को लेकर घुटन महसूस करती हो, पर बीजेपी इससे खुश नजर आती है, तो साथ ही साथ लक्ष्मण सिंह को दोबारा बीजेपी में आने का न्योता भी दे रही है। अभी कोई छोटा नेता इस तरह का बयान देता तो जीतू पटवारी कब से बाहर का रास्ता दिखा चुके होते, कुछ लोगों पे कार्रवाई भी कर चुके हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह कौन है? दिग्विजय सिंह के भाई हैं। अब दिग्विजय सिंह के भाई पे कार्रवाई का साहस तो जीतू पटवारी में नहीं है। जीतू पटवारी कार्रवाई करे फिर बताएंगे लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह क्या है। पहले तो बेचारे की कुर्सी संकट में, अब लक्ष्मण सिंह पे कार्रवाई करके और बच्ची कुछ दुकान भी जल्दी बंद हो जाएगी, इसलिए साहस नहीं है। लगातार चुनाव में हार और पार्टी में टूट के बाद सवाल उठना लाजमी है, और अपने भाई की तरह मुखर लक्ष्मण सिंह ये जिम्मेदारी बखूबी उठा रहे हैं। पर लक्ष्मण के तीखे बाण कांग्रेस पार्टी को कब तक घायल करेंगे और कांग्रेस भीष्म पितामह की तरह इन्हें कब तक झेलेगी, ये बड़ा सवाल है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।